नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज PNP में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या चर्चा हुई, वो सभी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहली जो घोषणा हुई है, जो चर्चा हुई है आज की मीटिंग में, वो ये हुई है कि जो TT हुई थी पिछली बार भर्ती परीक्षा से पहले TT कराया गया था, और जिन जिन डाइट के द्वारा उस TT का प्रमाण पत्र सभी अभ्यर्थियों को वितरित नहीं किया गया था, वो तुरंत वितरित किया जाए, यानी अगले सप्ताह में हर हाल में वितरित कर दिया जाए। इसके लिए आदेश जारी किया जा सकता है। और उससे संबंधित अपडेट आज आपने देख ली होगी कि एक जिले के जो डाइट के द्वारा वितरण करने का विज्ञप्ति भी निकाली जा चुकी है। तो ये पहली चर्चा हुई। दूसरी चर्चा हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के परीक्षा फल को लेकर। चूंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सरकार ने आज जो उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी है वो दोपहर बाद जारी कर दी है। अब परीक्षा फल की जो विज्ञप्ति है, जैसा कि PNP के माध्यम से पता चल रहा है, वो आज शाम तक आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। और उस विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार या मंगलवार, दो दिन में किसी दिन भी आपका रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। फिलहाल क्योंकि आपका कल संडे यहाँ पर पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन सोमवार या मंगलवार तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है सोमवार को घोषित किया जाए और मंगलवार से आप रिजल्ट को देख पाएं, जैसा कि अभी संशोधित उत्तर कुंजी में हुआ था। दूसरी यहाँ पर, तीसरी जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आई है, मैं इसमें 12,460 की भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि सबसे यहाँ पर जो यूपी सरकार है, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैरियर दाखिल कर दिए। विभिन्न जो मीडिया कर्मी हैं उनके माध्यम से आपको पता भी चल गया होगा। ये कैरियर दाखिल करने से यहाँ पर ये फायदा मिलने वाला है कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जाएगा तो बिना सरकार के फैसले को सुने हुए किसी भी प्रकार का कोई स्टे या कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। दूसरी यहाँ पर जो अपडेट आ गई है, वो शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा एक बात कह दी गई है। जी हाँ, बात ये कह दी गई है कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती जो भर्ती को फंसाने की कोशिश करेगा कोर्ट में जाकर, उसके खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी अगर आप इस भर्ती को फंसाते हैं, तो उनके द्वारा ये बात यहाँ पर कह दी गई है। तो ये अच्छी खबर है कि इसके चलते कोई भी अभ्यर्थी इस भर्ती को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा और ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी होगी। तो जो मैंने आपको बताया कि जो अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो सोमवार मंगलवार तक इंतजार करें। जितने दिन इंतजार किया, थोड़े दिन और आपका इसका रिजल्ट मिलने वाला है। जल्द ही नियुक्ति पत्र भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि सरकार खुद चाह रही है कि भर्ती फंसने ना पाए, उससे पहले इस भर्ती में नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। साथ में BEd के लिए भी निर्णय लिया जा सकता है कि BEd का जो ब्रिज कोर्स है, जो शुरुआती 6 महीने में यानी कि नियुक्ति पत्र ना जारी करके करवाया जाता था, वो अब नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा और आने वाले यानी कि 2 साल में उस ब्रिज कोर्स को करवाया जा सकता है। ये अपडेट भी साथ में आई है। यहाँ पर हम आपको बता दें 12,460 संबंधित एक खबर आई हुई है, जहाँ रवीश कुमार NDTV ने एक बार फिर से 12,460 शिक्षक भर्ती को सपोर्ट किया है और 3 सालों से कोर्ट के चक्कर काट रही, अगर आपके सानिध्य में ये भर्ती पूर्ण हो जाए तो भर्ती में बचे पदों पर शेष अभ्यर्थी नियुक्ति होंगे जो आजीवन आपके रेडी रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। BJP यूपी को, CM ऑफिस यूपी को और डॉक्टर दिनेश द्विवेदी जी को और माई योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट को शेयर किया है। तो ये अच्छी खबर है 12,460 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि लगातार एक बड़े जो यहाँ पर चेहरे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती को। तो ऐसी संबंधित खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर